हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेपीएससी पीटी का रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूचाल आया और वो है कि कटअप में भारी मात्रा में बढ़ोतरी। पिछले बार कटअप था 103 के लगभग और इस बार कटअप है 133 के लगभग अनरिजर्व का। उससे नीचे कुछ होता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मस्त 2-4 मार्क्स का मात्र अंतर है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आने के 60 मार्क्स की बढ़ोतरी किसी भी एग्जाम्स में आज तक नहीं दिखी है। ये तो यहाँ पे एक चीज़ अब निकल कर आ रही है, कुछ रोल नंबर्स को सर्च करने पर सारे रोल नंबर सीरियल्स से हैं, तो ये हो सकता है कटअप में बढ़ोतरी का कारण। एक फ्रॉड और एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन जब इतनी कटअप में बढ़ोतरी हुई है तो इसे हम फ्रॉड भी मान सकते हैं, फ्रॉड के बारे में लोग सोच भी रहे हैं। 28-65 का रिजल्ट है, 28-66 का रिजल्ट है, 28-67 का रिजल्ट है, 28-68 का रिजल्ट है, 28-69 का रिजल्ट है, 28-70 का भी रिजल्ट है और 28-71 का भी रिजल्ट है। क्या है? और उसके बाद कुछ गैपिंग है, उसके बाद हम चलते हैं 77 का भी रिजल्ट है, 78 का भी रिजल्ट है, 79 का भी रिजल्ट है और फिर 80 का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 80 के बाद 81 का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 82, यहाँ जाके आपको 9 मैचेस फाउंड मिलेंगे। तो 7-7 लोग, 8-8 लोग का लगातार रिजल्ट होना, ये कुछ फ्रॉड के बारे में भी, क्या जो एक सीरियल नंबर में बैठे हैं सभी लोग ब्रिलियंट थे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, या फिर एक दूसरे की कॉपी कर ली हैं लोगों ने, एक दूसरे ने डिस्कस करके बनाया है पेपर्स को, तो एग्ज़ाम सेंटर में लोग कहाँ थे? तो इसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही, कैंडिडेट्स तो उठाएंगे ही। और कटअप में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, वो फ्रॉड को बारे में जो सोच आता है उसको कन्फर्म करता है, उसको प्रूव करता है, जो इसके बारे में कैंडिडेट्स अभी मंथन कर रहे हैं और इस पर आंदोलन भी किया जाएगा।